शुगर ही। हमारे साथ हैं श्री अजय कुमार झा जी जो कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद की, आइए बात करते हैं उनसे। आज हम लोगों का भारत के केंद्र बिंदु दिल्ली में एनडी तिवारी भवन में राष्ट्रीय परशुराम परिषद का दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई है। विगत दो वर्षों से कोविड के लेकर के सारी बैठकें जो है बंद किया हुआ था, वर्चुअल बैठक होती थी, लेकिन पहली बार कम संख्या में अभी भी कोविड के मद्देनज़र हम लोग कम से कम जो मुख्य हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, जो राष्ट्रकारिणी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं प्रदेशों में, तो इन लोगों को ही बुलाया गया है। परिषद का स्थापना दिवस 24 अगस्त से को हुआ था, इसलिए 24 अगस्त से महासदस्यता अभियान का भी शुरुआत किया गया है जो 24 सितंबर तक चलता रहेगा। उसी में संगठन के दिशा और दशा पर, संगठन की मजबूती पर चर्चाएं होंगी, संगठन के विस्तार पर चर्चाएं होंगी। यही अभी तत्काल मुख्य एजेंडा हम लोगों को राष्ट्रीय परशुराम परिषद का, हमारे आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, वो भी प्रज्वलन करेंगे अभी कार्यक्रम का। हम लोगों के मार्गदर्शक मंडली में वो भी माननीय मंत्री चौबे जी हैं और हमारे संस्थापक संरक्षक पंडित सुनील भराला जी राष्ट्रीय परशुराम परिषद के हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार के वो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी हैं और तमाम 13 प्रदेश के अध्यक्ष का गठन हो चुका है, 13 प्रदेशों के राज्याध्यक्ष महासचिव कार्यकारिणी के सदस्य भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सर, हमारे